आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज का जो हमारा चैप्टर है या आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो है सुनामी। जो हमारा चैप्टर जो प्रीवियस वर्कशीट्स में चल रहा था उसी का पार्ट टू, मतलब जो सुनामी हम पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यूड पार्ट। ए पार्ट हम देखेंगे। सपोज यू आर एट अ बीच, सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। मान लीजिए आप बीच पे हैं और आपको सुनामी की वार्निंग के बारे में पता चलता है रेडियो पे। व्हाट विल यू डू? पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। क्रॉस द वंस दैट आर नॉट रिलेवेंट। अब हमें करना क्या है, हमें 6 पॉइंट्स दिए हैं। अब हमें जो चीज़ लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए हम उसके आगे टिक लगाएंगे, और जो नहीं करनी चाहिए उसका एक क्रॉस लगाएंगे। तो फर्स्ट, रन अवे फ्रॉम द बीच, हम बीच से भाग जाएंगे। बिल्कुल सही, हम जब हमें पता चलेगा कि सुनामी आने वाली है तो हम बीच से भाग जाएंगे। सेकंड, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। अब हम अगर हमें पता है कि सुनामी आने वाली है तो हम बीच पे तो रहेंगे नहीं, तो क्रॉस। उसके बाद क्लाइंब टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। जब सुनामी या कुछ इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है, सुनामी वगैरह आती है, तो जो हमें हम क्या करते हैं, हम जो बिल्डिंग होती है उसके रूफ पे चले जाते हैं। रूफ मतलब छत पे चले जाते हैं, टॉप पे। तो यस मतलब टेक। वॉर्न अदर पीपल, और लोगों को सूचित करेंगे, सचेत करेंगे, तो यस टेक। रिलैक्स आफ्टर द ट्रिमर्स आर ओवर, हम रिलैक्स करेंगे जब भूकंप खत्म हो जाएगा। सुनामी भूकंप आने के बाद आती है, तो रिलैक्स तो हम नहीं करेंगे। रिलैक्स हम तब कर सकते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाएगी, जब सुनामी खत्म हो जाएगी या सब कुछ, तो उसके बाद रिलैक्स करने का वैसे कोई सोचेगा नहीं, तो इसलिए क्रॉस। टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी। अब सुनामी आने वाली है तो हम बोट लेके सी की तरफ तो जाएंगे नहीं, तो क्रॉस। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी पार्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड ऑफ वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। हिंट, द इमेज डिस्क्राइब्स टिलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइंस इन द सी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। टिली जो है एक, मतलब टिली जो है फीमेल हैं, तो वो चिल्लाने लगती हैं अपनी फैमिली को कि बीच से हटने के लिए। वो कहती हैं कि सी के नीचे, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पैनी, कि मम्मी बताती है, पैनी जो है वो बताती हैं कि वो हिस्टेरिकल हो जाती हैं। हिस्टेरिकल का मतलब मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉस बट सींग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उसकी माँ जो पैनी है, उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि मेरे को पता नहीं है कि सुनामी क्या होता है, पर अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, का मतलब होता है डर जाना, डर गई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, उन्होंने सोचा कि कुछ सीरियस होने जा रहा है। तो अब हम नीचे आएंगे। हमें यहाँ पर ए पार्ट दिया है और यहाँ पर बी पार्ट दिया है, तो हमें इनको बताना है। तो फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? स्केयर्ड। स्क्रीम का मतलब शाउट। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल का मतलब होता है शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे। मतलब हिस्टेरिकल का मतलब हुआ चिल्लाना, और मतलब अलग ही रिएक्शन होना, मतलब वाइल्ड एक्साइटेड वे, मतलब जैसे एक तो होता चिल्लाना,
तो स्क्रीम हो गया शाउट करना, स्क्रीम। बट चिल्लाना में चिल्ला मतलब आप चिल्ला रहे हो पर मतलब आपको पता है कि आगे प्रॉब्लम है, आप चिल्ला रहे हो बहुत ज़्यादा, नहीं इधर से ऐसे, मतलब एक्साइटेड होना वाइल्ड एक्साइटेड वे में, उसे कहते हैं हिस्टेरिकल। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। अ वीडियो डैट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मैनी लाइव्स। शी रोट अ लेटर थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड इन इटैलिक्स। अब हमें यहाँ पर नीचे देखिए, हमें यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ऊपर लेटर में, हमें इसे फिल करना है। अब ये ऊपर एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, डियर, अब डियर क्या, यहाँ पर ज्योग्राफी का जो टीचर हैं उनकी डिटेल्स आएंगी, तो ये हमें ब्लैंक छोड़ना है। इसके आगे हम करेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, किसको लेटर लिख रहे हैं, ओ आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, हम लिख रहे हैं ज्योग्राफी टीचर को, क्या करने के लिए, थैंक्स करने के लिए। तो थैंक यू, योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी डैश मैनी लाइव्स, सेव मैनी लाइव्स, आई हैव कम टू डैश विद माई फैमिली विद माई डैश टू सेलिब्रेट क्रिसमस। आई हैव कम टू, कहाँ पर आए थे वो, थाईलैंड पर आए थे, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था इस स्टोरी के बारे में, वही स्टोरी है ये। कहाँ गए थे वो, थाईलैंड में गए थे, किसके साथ, फैमिली के साथ, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। व्हेन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माय फैमिली, जब सुनामी आती है, तो हमने पिछले वाले वर्कशीट में पढ़ा था, आपने पिछली वर्कशीट उठा के देखें तो उसमें ये स्टोरी है। व्हेन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माय फैमिली वर एट द बीच, आई नोटिस द वार्निंग साइंस इन द सी, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू रन अवे फ्रॉम द बीच, वी रश्ड टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सुनामी आती है तो उस समय पे इंसान को छत की तरफ जाना चाहिए। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, योर सिंसियरली टिली स्मिथ। हमने सारे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे और जो हमें नीचे वर्ड दिए गए थे हमने सब यूज़ कर लिए हैं और हमने इनको फिल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखें, जिससे कि हम आपको डाउट को सॉल्व कर सकें। अगर आपने वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।